स्वागत है आपका एज फैंटेसी में। आज अपन बात करेंगे सिडनी थंडर वुमेन वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स वुमेन के बीच होने वाले वुमेन बिग बैश लीग मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारे मेगा ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्पलेस से कि आप लाखों रुपए विन कर सकते हैं। साथ में देखेंगे पिच रिपोर्ट और इस वेन्यू पे मैचों के बारे में जानेंगे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे रहता है। साथ में पेसर को ज्यादा विकेट मिलेगा, स्पिनर को, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन ट्रंप प्लेयर जो आपको एक तरफा मेगा जीएल विन करवा सकते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हेड का, उसमें मैंने आपको बोला था ए मोसांगा वे और एन हैनकॉक और एक प्लेयर और बताया था मैंने डी गिब्सन नहीं चली थी। दो प्लेयर अपने शानदार मैंने बताया भी था किस प्लेयर को कितने प्लेयर आपको रोटेट करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। लोअर परसेंट वाले वुमेन में देखो दो या तीन प्लेयर ही आते हैं और उनको मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप ट्राई कर सकते हो, सीवीसी किसे रखना, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया स्टेडियम में जो कि बहुत ही अच्छा वेन्यू। यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था होबार्ट हरिकेन्स और पर्थ स्कॉचर वुमेन का ही हुआ था, ठीक है। पर्थ स्कॉचर वुमेन ने बनाए थे 186 चार विकेट के नुकसान पे और होबार्ट की टीम 88 पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। होबार्ट हरिकेन्स 88 पे ऑल आउट हो गई थी। यहाँ पे इस मैच में देखो पेसर को मिले थे 7 विकेट और स्पिनर को मिले थे 6 विकेट, ठीक है। इससे पहले 95 रन बनते हैं 9 विकेट के नुकसान पे, सामने वाली टीम स्कोर को आसानी से चेंज कर जाता है। 2 विकेट गवा के 146 बना, स्कोर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छे खासे विकेट जा रहे, इसमें 15 विकेट जा रहे हैं, ठीक है। 170 बना दिए सामने वाली टीम ने और चेज करने वाली टीम ने 159 बनाए 9 विकेट के नुकसान पे, विकेट इसमें भी अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। 133 बने 5 विकेट के नुकसान पे, स्कोर चेंज नहीं हुआ, अच्छे विकेट निकल रहे हैं ये देखो आप, है ना। और रन भी अच्छे बन रहे हैं। अब ये क्या स्टार्टिंग के मैच है, स्टार्टिंग के मैच में पिच बहुत ही अच्छी रहती है, ये एक ही मैच हुआ है अभी तक इस सीजन का, तो अच्छा पिच आपको मिलेगा, ठीक है, बैटिंग के लिए। साथ में पेसर को एडवांटेज ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू स्पिनर, लेकिन वुमेन क्रिकेट में स्पिनर्स भी बराबर की हिस्सेदारी इनकी रहती है विकेटों में लगभग हर मैच में। अपन देखे तो टोटल अभी तक जो लास्ट 5 मैच है ना उसमें 33 विकेट मिले पेसर को, 26 विकेट मिले स्पिनर को। अब अपन देख लेते हैं सिडनी थंडर की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, टी विल्सन के साथ ओपनिंग करेगी चमीरा टापटो, उसके बाद पी लिचफील्ड, हैदर नाइट, मरजानी कैप, एल एड, ओ पोटर, एच डार्लिंगटन, एस बैट्स, सी मुर्रे और ई होस्किन। इसकी जगह हो सकता है कि लोरा विल फिट होती है तो लोरा विल ही खेलेगी, ठीक है, और एस जोन सेना भी टीम में खेल सकती है। अब अपन देख लेते हैं टी विल्सन के रिकॉर्ड, यहाँ देखो आप 56 की अच्छी इनिंग खेल रहे, उसके बाद 5-4 डाउन है, उसके बाद 81, 28, 27, 10, 33 और 28 बनाए, 2 मैच खेले सीजन के, तो अच्छी प्लेयर है, विकेट कीपर भी है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। चमीरा अट्टापट्टू 33+3 विकेट, 10+0, 34, 12+0, 27+1, 14+0, 12+0 और वुमेन बिग बैश लीग में सबसे खतरनाक चल रही है तो चमीरा अट्टापट्टू 52 रन 3 विकेट, 80 रन 1 विकेट, 2 मैच खेले 17 और बहुत ही अच्छी खेल रही है, रन भी बन रहे हैं और विकेट भी ये निकाल रही है। पी लिचफील्ड को देखो आप 68, 39, 38, 1, 40, 13, 29, 2, उसके बाद 52 नॉट आउट, 36, 16, 27, 54 नॉट आउट और 18 नॉट आउट, अच्छी प्लेयर है, लगातार अच्छी नॉक खेल रही है, काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, नॉट आउट भी रही इस गेम में। हैदर नाइट 11, 10, 13, 34, 23 नॉट आउट, 14, 18, 22, 18+3 विकेट निकाल रही है, 13 रन नॉट आउट प्लस 0, इस सीजन में बॉलिंग भी की थी, ठीक है, पहले मैच में 3 विकेट मिले थे, लास्ट मैच में इसको विकेट नहीं मिला था लेकिन 13 रन इसने नॉट आउट बनाए थे, काफी अच्छी पोजिशन पे आ रही है, बॉलिंग भी कर रही है तो ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाती है। मरजानी कैप 26+0 100 बनाया था, विकेट नहीं मिला था, 29 रन 0, 21+0, 27 रन 1 विकेट, 45 1 विकेट, 72+0 और एक लास्ट मैच में इसको 1 विकेट मिला था, बैटिंग इसकी आई नहीं थी, इन्होंने मैच को फिनिश कर दिया था। एल एड 131 91 की बड़ी पारी, उसके बाद 7, 0, 3, 8, 1, 11 लास्ट मैच में इसकी बैटिंग आई नहीं, ठीक है। ओ पोटर 32, 29, 6, 0, 18, 4, 51, 3 और बैटिंग नहीं। एस डार्लिंगटन 25+0, 11+0, 13+1 विकेट, 32+1 विकेट, 0 1 विकेट, 24+1 विकेट, 0 लास्ट मैच पे 1 विकेट इसने भी निकाला था। एस बैट्स को देखोगे तो आप 0-0 चल रही थी, उसके बाद 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, फिर 0-0 उसके विकेट जा रहे हैं, तो यहाँ इसको विकेट मिलने के फिर से चांस है, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा कम एडवांटेज है एज कम्पेयर टू पेसर, तो इसकी रहेगी। सी मुर्रे 25 रन 16, 20, 1, 6, 4, 23, 12 बॉलिंग इससे करवा नहीं रहे, बैटिंग इसकी आ नहीं रही, पता नहीं क्यों खिला रही टीम। ई होस्किन 1 विकेट, 0-0, 0-0 चल रही थी, उसके बाद 3 विकेट 1 विकेट लास्ट मैच उसको खेलने को मिला जिसमें इसने 1 विकेट निकाला, महंगी जरूर रही थी, तो लोरा बेल अगर आती है तो लोरा बेल प्लेइंग 11 में डायरेक्ट आएगी, एस जोनसेना को भी टीम खिला सकती है। अब अपन देख लेते हैं होबार्ट की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, एल ली के साथ ओपनिंग करेगी ई विलानी, उसके बाद बी स्मिथ, एदर ग्राम, एन सेटरबर्ग,
आर जॉनसन, एम स्ट्रॉन, टी सेवल्ली, ए स्मिथ, एस स्माइली और एस सिल्वर एच आपको खेलते हुए नजर आएगी। इनमें से कोई खेलेगा तो एम गिब्सन खेल सकती है, ये भी अनअवेलेबल है। ठीक है, ली को देखो आप 40-62, 2-0-3, 14-77, 0-5-21, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, चल गई तो बहुत ही तगड़ा खेलती है। ठीक है, बीच बीच में एक आधी इनिंग अच्छी आती है, लेकिन विकेट कीपर है तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ये बन जाती है। ईव विलानी 125 नॉट आउट, एक 174 नॉट आउट, भाई तगड़ी प्लेयर है। 110, 28, 38, 39 और 39 नॉट आउट। लास्ट इसके आप 7-8 इनिंग देखोगे तो एक बार एक पे आउट, इसके अलावा बड़ी बड़ी पारियां, बहुत तगड़ी तगड़ी ये ओडीआई की है हालांकि, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पारी वुमेन्स क्रिकेट में कम ही देखने को मिलती है, लेकिन तगड़ा खेलती है ईव विलानी। बी स्मिथ को देखो आप 64+0, 9+1, 5+0, 34+1, 1+0, 100 वुमेन में अच्छे विकेट मिल रहे थे इसको। ठीक है, 97 रन बनाया था, एक बार एक विकेट मिला था, 21+0, यहाँ 5+0, 3, 11+0, अभी तक परफॉर्मेंस इसका निकला नहीं है, लेकिन इस मैच में बड़ी प्लेयर है, अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं तो इस मैच में इसका परफॉर्मेंस निकलना चाहिए। हैदर ग्राम 50+2 विकेट, 43+ बॉलिंग नहीं की थी, 41+0, 54+1 विकेट, 7+1 विकेट, 0 रन एक विकेट, 0 रन एक विकेट, 10 रन एक विकेट, लास्ट मैच में 2 रन विकेट नहीं मिला, रन इतने बन नहीं रहे इसकी बैट से। लास्ट 5 मैचों में आप देखोगे विकेट हालांकि इसको एक मिल जाता है, लेकिन इस मैच में बैट और बॉल दोनों से इसका परफॉर्मेंस आ सकता है। एंड सेटरबर्ग 2-18 बैटिंग ने, 16 नॉट आउट, 75-75 की अच्छी इनिंग, उसके बाद 1-7 और 54, अच्छी प्लेयर है, 150 कर चुकी है इस टूर्नामेंट में, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर टॉप ऑर्डर से कोई आउट होता है तो इसके चलने की ज्यादा चांस है, क्योंकि बैटिंग सरफेस रहने वाला है, बैट फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर जॉनसन 16-1-2, 4-2-15-2-8, कुछ खास प्लेयर नहीं है, ठीक है, बॉलिंग करते नहीं है, बैटिंग इसकी आती है तो कभी कभार थोड़े बहुत रन बनते हैं। ठीक है, ड्रीम टीम के मेंबर बहुत कम बार बनने की चांस है। एम स्ट्रॉन 17-1-9-1-3-2-1-1-4-37+1-5 रन 1-0, लास्ट मैच में विकेट लेस, इसके अलावा सभी मैचों में इसको विकेट मिल रहा है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेयर रहने वाली है। टी सिवल्ली कोई खास रोल है नहीं, 12-2-2-13-6 बैटिंग नहीं आई। ए स्मिथ 0-1-3-2-0-29+2-4+0-0, इसको भी इस मैच में विकेट मिला, इसके अलावा तीनों मैचों में विकेट नहीं मिला, लास्ट 3 मैच से पहले विकेट मिल रहे थे। ठीक है, एस स्माइली 1-0-2-0-4-2-0-0, उसके बाद 1 विकेट, लास्ट मैच में फिर से 0 विकेट। प्लेयर शानदार है, लेकिन विकेट इतने लास्ट कुछ मैचों से इसको मिल नहीं रहे, बीच बीच में विकेटलेस भी कई बार ये जा रही है, तो रिस्क ट्राइक हो सकता है इस पर। एस सिल्वर 0-1-0-2-1-0-25-0-0 विकेट। ठीक है, बॉलिंग कम करवा रहे से, पहले मैच में जरूर 4 ओवर करवाए थे, उसके बाद कम ओवर करवा रहे, लेकिन प्लेयर इंपॉर्टेंट बन सकते इस मैच में। एम गिब्सन खेलती है तो आप देख लेना, 1-2-1-2-0-2 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। अब अपन बात करते हैं इस मैच के लिए जो अपने लिए ट्रंप प्लेयर रहने वाले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रंप प्लेयर आपको जो मेगा जीएल आसान से विन करवा सकते हैं। ये बताऊंगा किस प्लेयर की जगह रिस्क लेना है, इनमें से कितने प्लेयर आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। यहां देखो सिडनी थंडर की तरफ से ई होस्किन और एलियोड, अगर ई होस्किन की जगह लोराबेल खेलते हैं आपको लोराबेल ट्राई करना है, ठीक है, ई होस्किन खेलते हैं आप ई होस्किन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बॉल फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड में थोड़ी कम इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एलियोड बैटिंग से है, काफी रिस्की रहेगी, लेकिन ये अच्छा खेलती है, बड़ी पारी खेलना जानती है, अगर टॉप ऑर्डर में से आप किसी को मिस करते हो उसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन कम चांस है फिर भी। ठीक है, होबार्ट की तरफ से देखो आप बी स्मिथ, एस सिल्वर एंड सेटरबर्ग, अब बी स्मिथ के बहुत ही ज्यादा चांस है क्योंकि वन डाउन पोजिशन अच्छे खासे ये ओवर करती है। ठीक है, 100 वुमेन में अच्छा करके आ रही है, यहाँ इसका परफॉर्मेंस अभी निकला नहीं, प्लेयर शानदार है, पोजिशन अच्छी मिल रही है परफॉर्मेंस करने के लिए, तो इस मैच में इसका परफॉर्मेंस आने की बहुत ज्यादा चांस है, आप ट्राई कर सकते हो, जीएल विन कर पाओगे आसानी से। ठीक है, एस सिल्वर अच्छी बॉलर है, ये पेसर को एडवांटेज पिच है तो यहाँ पे इसको पूरे ओवर मिलने चाहिए, शायद 3 या 4 ओवर, तो 1 विकेट निकालने के चांस इसके भी बन रहे हैं। ठीक है, एन सेटर पर अच्छी बैटर है, बैट फर्स्ट में ट्राई की जा सकती है। तो इन प्लेयर में से मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको 2 या मैक्सिमम 3 प्लेयर ट्राई करने, सभी प्लेयर ट्राई नहीं करने, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, 2 या 3 प्लेयर काफी होते हैं वुमेन्स लीग में मेगा जीएल विन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो आप एल ली को लिया है, टी विल्सन को लिया है, ठीक है, दोनों को मैं रख रहा हूँ विकेट कीपर वाले सेशन से। अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिया हैदर नाइट को और पी लिचफील्ड को, हैदर नाइट को लिया, ई विलानी को मैंने यहाँ पे ट्राई किया, समीर अट्टापट्टू, मरजानी केप, हैदर ग्राम, बी स्मिथ, यहाँ मैंने फिर से समीर अट्टापट्टू, मरजानी केप, हैदर ग्राम, बी स्मिथ, बी स्मिथ पे मैंने दोनों टीमों में रिस्क लिया है ना, काफी अच्छी प्लेयर है, एक जगह मैंने
रिस्क लिया है कि इस पर पी लिच फील्ड जो बहुत ही खतरनाक चल रही है, आप सेफ जाना चाहो तो जा ले सकते हो और अपने 49 रुपये वापस ला सकते हो। लेकिन जीएल खेलनी है तो थोड़ा रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा क्या जीएल के लिए, ठीक है। आप सीधे सीधे जाना चाहो, सीधे सीधे मैच कभी नहीं होते, आपने अभी तक 17 मैच अपन ने कवर कर लिया, हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप जीएल विन कर सकते हो, ठीक है। बॉलर मैंने यहाँ इस्माइल स्टोन एस सिल्वर को ट्राई किया, इस्माइल स्टोन ई होस्किन को ट्राई किया। यहाँ मैंने 2 ट्रम्प प्लेयर यूज किए हैं, ठीक है, किसकी जगह की है ये, यहाँ पे मैंने पिच लिचफील्ड को ट्राई नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिस्क लिया है किस पे, यहाँ मैंने रिस्क लिया है इनमें से टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर मैंने ट्राई किया है इसको, ई होस्किन को, ठीक है। यहाँ मैंने बी स्मिथ और एस सिल्वर को ट्राई कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको डिफरेंशियल ट्राई करना, एक रिस्क को आप और ट्राई कर सकते हो चाहो तो, उन प्लेयर में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, एन सेटरबर्ग को ट्राई कर सकते हो। ली को अगर फ्लॉप करते हो तो आप एन सेटरबर्ग को ट्राई किया जा सकता है। बाकी सेफ जाना चाहते हो तो मैंने आपको सेफ जाने का भी तरीका भी बता दिया, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। कैप्टन का जो कंटेंडर रहने वाला है, फिर से आप समीर अट्टापट्टू मरजानी कैप की तरफ जा सकते हो, हैदर नाइट भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। वीसी के लिए हैदर ग्राम ई विलानी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा इस मैच में। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।